तो दोस्तों आज की ये वीडियो हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, एक कहानी से स्टार्ट, जो बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। क्योंकि आजकल के मतलब जो जनरेशन है उनको पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी तब तक पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम पाटिल ट्यूटोरियल, हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है, स्टार्ट करते हैं। एक लेबर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, घर भर बनाने का काम करता है, ठीक है, घर भर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो करता है, ठीक है। तो अब उसकी उम्र हो जाती है 50 साल की, ठीक है। तो अब वो सोचता है कि यार मैंने बहुत काम कर लिया, अब मेरे को ना अपनी फैमिली को टाइम देना है, ठीक है। तो वो अपने बॉस के पास जाता है और बोलता है कि सर अब मैं रिजाइन दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फैमिली को भी टाइम देना है, ठीक है। तो फिर वो रिजाइन देकर चला जाता है। जैसे ही मुड़कर जाने लगता है, पीछे से बॉस आवाज देता है, एक मिनट रुको। तो वो बोलता है यार अब कोई काम ना दे दे। तो बॉस बोलता है इधर आओ। तो बॉस बोलता है बस ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रखा है, तुम इसको कंप्लीट करते ही अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो। तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है, लास्ट है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। तो वो स्टार्ट करता है अपना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब घर बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब उसका मन तो लगता नहीं है, क्योंकि वो तो रिजाइन लेना चाहता था, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता था। तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी में घर में मटेरियल बेकार यूज कर दिया, मतलब एकदम अच्छे से डिजाइनिंग नहीं करी घर की, ठीक है। उसने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके क्या किया, बॉस के पास गया और बॉस को बोला ये लो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर वो जाने लगता है लास्ट में, बोलता है अब मैं रिजाइन ले रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो जाने लगता है दोबारा, फिर बॉस की आवाज आती है पीछे से, वो बोलता है अरे यार अब तो छोड़ दो यार पीछा, ठीक है। फिर वो दोबारा मुड़ता है, बोलता है अब क्या हो गया। तो बॉस बोलता है ये जो तुमने लास्ट घर बनाया ना उसकी ये लो चाबी, क्योंकि वो जो घर बनवाया है वो तुम्हारे लिए ही बनवा रहा था मैं। तो वो एकदम शौक आता कि यार मैंने तो घर एकदम बेकार बना दिया, और वो मेरे अगर मेरे को पता होता पहले ही कि वो मेरे लिए बन रहा है घर तो मैं अच्छे से बनाता, है ना। तो यहाँ से दो मोटिवेशन आती है, पहली कि देखो आप लोगों को तो पता है अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छी डिग्रियां मतलब हासिल कर लेते हो तो क्या होगा, आपको जॉब अच्छी मिलेगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी, है ना। तो आपको पता है, उसको तो नहीं पता था लेकिन आपको तो पता है ना, मतलब आप अच्छे से काम कर सकते हो, आप और अच्छे से पढ़ो जिससे कि आपको पता है, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो एकदम पता आपको, ठीक है। और उसको नहीं पता था कि वो मेरा घर ही बनने वाला है। तो यहाँ पे एक मोटिवेशन पता चल गया आपको। और सेकंड मोटिवेशन यहाँ पे क्या आती है कि जो भी काम करो एकदम मन से करो, चाहे दूसरों का कर रहे हो चाहे अपना कर रहे हो, कब क्या पता कोई काम हमारे आगे काम आ जाए, ठीक है। तो इसलिए कोई भी काम करो तो मन से करो, चाहे किसी का भी कर रहे हो, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो तो मन से करो, खेल रहे हो तो मन से खेलो, क्योंकि अगर नहीं खेलोगे तो दोस्त क्या बोलते हैं कि यार इसको तो खेलना नहीं आता, इसको अपनी टीम से हटाओ, यही होता है ना। तो इसलिए जो भी काम करो एकदम मन से करो, ठीक है। अब ये कहानी पता चल रही है आपको मोटिवेशन की। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है मोबाइल की। आजकल के तो बच्चे सारे मोबाइल से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, कि मतलब सुबह उठे जब तक नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तब तक उनका दिन स्टार्ट नहीं होता। अगर नोटिफिकेशन नहीं देखी तो भाई बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, पूरे दिन ऐसा लगता है कि मतलब हमारा अभी दिन स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना। तो इसलिए दोस्तों प्लीज कह रहा हूँ, मोबाइल को जब तक पढ़ाई आपके साथ उसको दूर रखो, मतलब कम से कम ना अगर आप स्कूल में हो, मतलब 9th 10th 11th 12th में हो तो मोबाइल को तो टच भी नहीं करना तुम्हें, ठीक है। बस मतलब थोड़ी देर के लिए खेल सकते हो अगर कोई गेम खेलनी है, और हाँ पबजी नहीं खेलनी भाई। पबजी से मैं भी एडिक्टेड था, मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ी है भाई, ठीक है। मैं क्या, अब आप सोच रहे हो यार ऐसे ही पबजी थोड़ा छूट जाती है, मतलब जो खेल रहा है वो कैसे छोड़ सकता है, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको। जो आपके पास गेम है पबजी, मेरी बात मान लो, एक दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दो गेम को। अगर एक दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दी ना आपने, तो उसके बाद मन आपका अपने आप उतर जाएगा पबजी पर से, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, ठीक है। बस लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा काम करना है जिसमें आप अपने आप को बिजी रख सको, ठीक है। जैसे आप कोई और गेम डाउनलोड कर लो, या फिर कोई और आप अपना जो आप खेलते हो अगर पार्क वार्क में जाके वहां पे जाके खेल लो, ठीक है। कुछ और काम करना स्टार्ट कर दो, उससे क्या होगा आपका, मतलब पबजी से कौन एडिक्ट होता है, जो फ्री टाइम बैठा रहता है, मतलब जो वेला घर में बैठा रहेगा ना उसका क्या होगा, पबजी पे ही ध्यान जाएगा। इसलिए अपने आपको बिजी रखना स्टार्ट करो, ठीक है। जितना बिजी रखोगे अपने आपको उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आपकी पबजी एडिक्शन जो है जल्दी से जल्दी छूटेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है। और हाँ दोस्तों, स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, फ्रेंड्स का। जितने कम से कम आप फ्रेंड बनाओगे उतनी पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स वैसे बनाओ जो पढ़ने वाले बच्चे हो, ये नहीं कि जो मतलब घूमते रहते हैं, जो कॉल पे कॉल करते रहते हैं कि अब यहाँ पे आ जा घूमने के लिए, यहाँ पे आ जा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अगर आप कॉन्टेक्ट में रहोगे तो आप भी पढ़ाई के लिए थोड़ा एडिक्ट हो पाओगे, ठीक है।
तो पढ़ाई भी आप कर पाओगे। दोस्तों यही कुछ हमारे कुछ साल होते हैं, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो आपके जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप इस कुछ साल में पढ़ लोगे तो आपके पास डिग्री अच्छी मिलेगी, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, और जॉब कब तक करनी है आपको, पूरी जिंदगी भर करनी है। तो अगर आपकी जॉब अगर लग गई मान लो अच्छी सैलरी की, तो आपको पूरे साल अच्छी सैलरी मिलेगी, तो आप अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने आप को कैसे अपने आप को सींच रहे हो, ठीक है, कैसे अपने आप को बना रहे हो, ठीक है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ पबजी का एडिक्शन नहीं छोड़ना आपको, एक तरह से मनी का भी एडिक्शन छोड़ना, ठीक है। क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कभी कभी पैसे कमाने की लत लग जाती है उनको, ठीक है, कि मतलब हमें कमाना है, हमें ये करना है, ये खरीदना है, अपने नीड्स को पूरी करने के लिए वो सोचते हैं कि हम भी कमाएं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमाने की लाइन में जो चला गया वो कभी पढ़ नहीं सकता। क्योंकि जब आप डिग्री पाने के बाद अगर आप सैलरी बेसिस पे जॉब करते हो, तो उसके बाद क्या आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके पास एक प्रेशर आ जाता है कमाने का, ठीक है, सब कुछ करने का, कि अब उस मतलब पैसे कमाने का जब एडिक्शन हो जाता है ना, तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आपको मैं एक रियलिटी चीज बता दूं जो प्रैक्टिकली होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो मतलब गुड लुकिंग नहीं होते, ठीक है, जिनकी बॉडी वॉडी नहीं होती, वो क्या सोचते हैं, बस पढ़ाई के टाइम यही सोचते रह जाते हैं कि हमें यार ये जिम ज्वाइन करना है, हमें ऐसे बाल कटवाने हैं, वो देखो इतना फेमस हो रहा है टिकटॉक पे, ये फेमस हो रहे हैं, वो लोग फेमस हो रहे हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, बच्चे पढ़ाई से दूर जाकर सोचते हैं कि हम भी ऐसे कुछ करें, ठीक है, हेयर कटिंग महंगी महंगी करवा लेते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा करने के लिए पैसा खर्चते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी मत करो यार, पढ़ाई की उम्र अभी पढ़ लो, ठीक है, अभी कमाने की उम्र भी आएगी, तब सब कुछ कर लेना, जो भी आपका एम है, जो भी अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप आर्टिस्ट है, कोई से भी कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, पहले आप पढ़ाई कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अपने एम को कंप्लीट करना स्टार्ट करना जब आपके पास पैसा आना लग जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अब मैं डेली मोटिवेशन आपको देता रहूंगा, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी तब तक आपको पढ़ाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।